क्या भाईजान, आप ये के बस ब्लॉग को एंड करने वाला रह गया, तो उससे पहले आपको एक बैड न्यूज़ सुनानी है। कि वैसे आप लोगों को पता तो चल गई होगी क्या होगी बैड न्यूज़, वो ये है कि पेट्रोल फिर से महंगा हो गया है। 20 रुपये महंगा एक साथ, 20 रुपये, सोचे क्या दिल के तासुरात होंगे इंसानों के। यानी कि मतलब कहाँ तक चल रहा है, 275 रुपीज़ लीटर, तो यानी कि बंदा डल पहुँच चुका 250 का डलवा देगा, लीटर भी नहीं आता है पेट्रोल, क्या बात हो गई। पहले पेट्रोल पंप वालों का मज़ा देखा आपने, मजा वाली बात, जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो दबा दबा के बेच रहे थे, जब सस्ता हो जाता तो हड़ताले करके बैठ जाते हैं, नहीं भाई हमने नहीं बेचना, हमने पेट्रोल महंगा लिया हुआ है, तो अभी सस्ता लेके महंगा बेच देते हैं, क्या बात है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत और करम के साथ अपने आज के मज़ेदार से ब्लॉग का कर लेता है। तो जिस किसी ने, और हाँ ब्लॉग का कर लेता है, तो जिस किसी ने मेरे चैनल शाउंड ऑब्जेक्ट सब्सक्राइब नहीं करा, जल्द सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त महसूस हो सके। तो दोस्तों आज के मतदान से ब्लॉग को कर लेता है आगाज़, तो काफ़ी मज़ेदार दिन होगा आज का भी लग रहा है, क्योंकि मौसम थोड़ा कूल हो रहा है हैदराबाद का, जैसा कि आप देख सकते हो, तो चेक कर लीजिए माशाल्लाह, फुल ये पर और नीचे भी खूब सन्नाटा बच्चा भागता हुआ जा रहा सीधा, और सामने के कुछ ये हालात है, और बाकी हमारे चुंटू पुंटू अपनी जगह पे आ गए हमेशा की तरह, और माशाल्लाह मेरे पौधे की अपडेट देखिए, और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, सुबहान अल्लाह ये चेक करिए, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कलियाँ चेक कर भाई मेरे पौधे पर बड़ी दबा गई, वो देखिए वो देखिए भी माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें देखिए हाय हाय क्या खुशबू आ रही है। उसके अलावा चलते हैं कमरे में, चलते चेंज से इंट्रो कर देते हैं, फिर आपको डायरेक्ट नाश्ते की टेबल से वीडियो का इंट्रो कर लेते। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अच्छा तो दोस्तों आप पहुंच चुके हैं अपने दस्तरखान पे, वो छोटे भाईजान को देखिए डांस कर रहे हैं, फुल नाच रहे हैं, चार भाईजान सामने खड़े थे, उसके अलावा एक अदद पराठा है हमारे पास, देसी घी वाला हेल्दी हेल्दी, और साथ में कटाखट अंडा और एक कप चाय, बड़ा ही मज़ा आएगा चाय पीके। उसके अलावा चाय के बारे में कोई जुमला अपना खास मतलब अपना जुमला बनाते हैं, तो उसके अलावा जल्दी जल्दी से फटाफट अपना आज का नाश्ता करते हैं बिना वक्त को जाएंगे, और दैन फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। तो दोस्तों अलहमदिल्ला आपको भाई नहा दो के फ्रेश फ्रेश हो चुका, तो आप लोग बोल रहे हैं क्यों हो गया भाई, तो छोटे भाई जान का एडमिशन फाइनली करवाने जा रहा हूँ, तो जल्दी जाते हैं उसका एडमिशन करा के आ जाते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं, जल्दी जाते हैं और जल्दी उसका एडमिशन करा के चलिए, उससे पहले उसकी दो सारी चीज़ें लेकर आएंगे, वो जल्दी जाके ले आते हैं। तो दोस्तों छोटे भाई का काम करा के आ गया, तो उसके अलावा अभी मैं और ताहा भाई जान हम कहाँ जा रहे हैं भाई जान, हम जा रहे हैं आटा लेने, आसान हमारा गाँव से आ चुका आटा, तो वही लेने जा रहे हैं, जल्दी जाते हैं और आटा लेकर आ जाते हैं। उसके अलावा इन कुत्तों ने तंग करा हुआ, इन कुत्तों को बाहर निकालता हूँ भाई, आके बैठ जाते हैं रास्ते पर, तो जल्दी जल्दी आते हैं और भाई पर अपना वादुआ से जाके अपना आटा लेके आ जाते हैं, जो कि हमने पूरे महीने खाना है। A few moments later. वादुआ पहुंच चुके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वादुआ है, तो कितना रश हो रहा है यहाँ पे, बड़े बड़े कंटेनर आदि गाड़ियाँ। तो भाई जिन कैसा रहा सफ़र आपका, आपने कल परसों चले जाना मैंने सुना है, परसों चले जाना, परसों यानी कि जुम्मे वाले दिन, या जुम्मे की नमाज़ पढ़ के परसों चले जाना फिर, क्यों यार ऐसा मत जुलम करो, नमाज अपने घर पर। चलो कोई बात नहीं भाई, जाना है इन्होंने, तो उसके अलावा हम इंतज़ार कर रहे हैं बस का, तो भाई सामने वादुआ पूरा देख लें भाई, ऐसा है हमारे पास सामने वादुआ गेट, वो देखे वो रहा, फिर अंदर से कासमाबाद डायरेक्ट शुरू हो जाता है, तो ये कहलाता है वादू वाली जगह। हवा बड़ी ज़बरदस्त चली हुई, वो देखिए विल्ड वाइड, यानी कि जो पंखा बिजली पैदा करने वाला कैसे चल रहा है तेज़ तेज़ दबा के बिजली बना रहा होगा, हम भी लगा लेंगे घर में बिजली मुक्त हो जाएगी है भाई दावे बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी अब बस के आने का इंतजार करते हैं, बस से बात करते हैं। Much, much later. तो दोस्तों अलहमदिल्ला हम आटा लेकर घर पे आ गए थे, तो भाई जान अभी आता छोटे भाई के एडमिशन के लिए, और छोटे भाई का एडमिशन हो चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खुश हैं आप, बहुत ज़्यादा, तो मेरा डिग्री कॉलेज जैसा कि आप देख सकते हैं, तो एडमिशन हो गया, अब सीधा घर पे आपसे डायरेक्ट जाके मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों भाई का एडमिशन करा के तो पप्पा मैं आ चुका था घर पे, तो ये आटा जो हम लेकर आए थे ये यहाँ पे रखा हुआ, तो अभी हम इसको जाएंगे इस भड़ोली के अंदर, भड़ोली जो भी है हमारा आटा स्टोर करने वाला डब्बा जो है उसके अंदर डाल देंगे। तो उसके अलावा ताहा भाईजान की फिर से दोबारा हो चुकी है तबीयत खराब है, ता भाई उस दिन वाले क्लिप पे अभी अपलोड करने लगा है, नहीं भाईजान न्यू क्लिप पे ये चेक करिए कैसे लेटा हुआ वापस दोबारा से। तो भाईजान इसको पता नहीं कैश क्या रिपोर्ट कराते ताकि पता चले क्या बला है इस बंदे को। तो उसके अलावा भाईजान आज बन रहे तो आज उसके अलावा आज हमारे घर में बन रहा है कुछ खास चिकन बिरयानी, और टाइम आपको पता क्या हो गया 3:30 हो गए, पता नहीं कब खाने को मिलेगा, भूख इतनी जोर से लग रही है, अम्मी मेरे को ऐसे देख रही है
तो उसके अलावा आप चाहते हैं कमरे में एसी चल रहा है और वीडियो में एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला काम तो मेरे को टाइम से करना होना, ये वाला काम भी लेट हो जाएगा, तो जल्दी से अपना ये वाला काम कर लेते हैं, देन बाकी की बातें आप बाद में करते हैं, या फिर जो भी हमारी रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। दोस्तों वीडियो शूडियो एडिट तो नहीं हुई, लेकिन लाइट जा चुकी है और हो चुका है खाने का टाइम। आज खाने में क्या, मैंने वैसे भी आपको पहले बता दिया कि चिकन बिरयानी बनी हुई है भाई जान, वैसे तो अमूमन हफ्तेवार को बनती है, लेकिन आज भाई लोगों के लिए बनाई थी खास फरमाइश पे, तो लेकिन ताप भाई जान तो नहीं खा पाएंगे, बेचारे बीमार है, तो बाहर देखो सोए में देखिए तो हाँ, यानी कि बुखार है, मगर ये बीमार नहीं बुखार बोलो उनको, बुखार हुआ हुआ तो बाहर बैठे हुए, तो अभी सोए में, तो उनको हमने तंग नहीं किया सोए में। तो उसके अलावा आज बनी है चिकन बिरयानी, तो इधर बराबर में ताप भाईजान होता है लेकिन है नहीं, वो वहाँ पर है, तो अहमद भाईजान ये रहे, शादी भाईजान ये रहे, और बराबर में हमेशा की तरह मेरी अम्मी और बाजी हैं। तो उसके अलावा बिरयानी को टेस्ट करते हैं कि हमारी बिरयानी कैसी बनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक बड़ा ही वीआईपी खूबसूरत किस्म का हैवी किस्म का नवाला हमारा हो चुका तैयार, जरा आपने देख लिया तो चलिए अब ये जाएगा मेरे मुँह में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्वाद आ गया बादशाह। तो आज ताह भाई जान तो है नहीं, अहमद भाई जान से पूछा, अहमद भाई जान कैसा बना? अच्छा है, लाजवाब है। तो चलो दोस्तों बिना वक्त गुजारे कि अपने आज के इस मज़ेदार से लंच को एंजॉय करते हैं, देन बाकी बातें बाद में करते हैं। चलो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने वीडियो शेडियो एडिट करके अपलोड कर दी, तो उसके अलावा बाबा जानी ऑफिस से आ चुके, और आपका भाई भी ने भी नमाज़ पढ़ ली, नमाज अदा करो बाबा जानी भी, तो अभी बाबा जानी और मैं जा रहे हैं कब्रिस्तान फातिहा खानी के लिए, तो जल्दी जाते कब्रिस्तान और फातिहा खानी करके आ जाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, दोस्तों भाई आ गए थे कब्रिस्तान से, तो उसके बाद अभी भाई अहमद भाई है मेरे साथ और मैं पहले से चले गए थे पानी की केन लेने, तो पानी की केन जैसे लेकर आए तो अभी ताब आ जाएंगी, तो कहते हैं पता चल चुकी है कि खूब ख़राब हो गया उनको, असल में हो गया टाइफाइड, कोरोना टाइफाइड है उनको, तो उसके लिए दवाई लेने जा रहा था, तो चलिए जल्दी जल्दी उनके लिए दवाई लेकर आएंगे, जल्दी जल्दी जाके अहमद भाई और मैं जाके ले आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को मिल चुका है ताब भाईजान का सामान, तो ये खमीर है और साथ में क्या है, ये हमदर्द, और ये क्या था साथ में भूल गया नाम इसका, पता नहीं क्या था, दोस्त लेके इसको चलते हैं घर। अच्छा तो दोस्तों घर पे आ गए थे दवाई लेके, तो अभी मैं जा रहा हूँ रोटियाँ लेने, तो भाई भाईजान आज की चांद की 15 घर में हमारे पाते हैं, तो मेहमान आए थे तो रोटियाँ ला के मम्मा ने कहा जल्दी जाके रोटियाँ, तो जल्दी जाते हैं वो रोटियाँ लेकर आ जाते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, छोटी लिया था फिर खाना, यानी कि हमने पेट पूजा कर लिया सब घर वालों ने, तो बाबा जानी थोड़ी सी आवाज़ कम कीजिएगा। तो अब क्या भाईजान, अब ये कि बस ब्लॉग को एंड करने वाला रह गया, तो उससे पहले आपको एक बैड न्यूज़ सुनानी है, कि वैसे आप लोगों को पता तो चल गई होगी क्या होगी बैड न्यूज़, वो ये है कि पेट्रोल फिर से महंगा हो गया है, 20 रुपये महंगा एक साथ, 20 रुपये, सोचे क्या दिल के तासुरात होंगे इंसानों के, यानी कि मतलब कहाँ तक चल रहा है, 275 रुपीज़ लीटर, तो यानी कि बंदा 10 पहुँच चुका है 250 का डलवा देगा, अब लीटर भी नहीं आता है पेट्रोल, क्या बात हो गई। पहले पेट्रोल पंप वालों का मज़ा देखा आपने, मज़ा वाली बात, जब पेट्रोल महंगा होता है ना तो दबा दबा के बेच रहे थे, जब सस्ता हो जाता तो हड़ताले करके बैठ जाते हैं, नहीं भाई हमने नहीं बेचना, हमने पेट्रोल महंगा लिया हुआ है, तो अभी सस्ता लेके महंगा बेच देते हैं, क्या बात है भाई जान, कारोबार में तो नफा नुकसान होता रहता है, इसमें कोई बात नहीं। तो उसके अलावा बस ज़्यादा यही बात आपसे मैंने अपनी दुख पर ही करनी थी यार, शेयर कर दी थी। उसके अलावा बिस्तर बेच चुके हैं, और छोटे भाईजान देखें यहाँ पे लेट के फुल सो रहे हैं, सो नहीं रहे बल्कि अभी सोने लगे। हेलो हेलो हाउ आर यू, ये चेक कर लिए रही, ये देखिए ये देखिए हाँ सरा। तो उसके अलावा पापा जानी यहाँ लेट चुके हैं, यहाँ मम्मा भी लेट चुके, तो बस मैं भी कपड़े छपड़े चेंज करके लेटूंगा, ये देखिए शोर मचा रहा है, देखो ये सो गया आए जाग रहा है देखो। तो उसके अलावा बस व्लॉग को अप करते हैं, चुप हो जाए यार, बस यार ये शोर मचाया जा रहा है, तो इसके बैकग्राउंड के शोर को मात तो उसको बाहर में डालिएगा। तो उसके अलावा ब्लॉग को एंड कर लें, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का मेरा कोई छोटा सा चुनना था मुन्ना था ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको बड़ वक्त मौसू हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए टॉपिक नए कॉन्टेंट और किसी नए ब्लॉग के साथ, सो लेट्स टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।